सो हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गेमिंग चैनल गेमिंग ओरा में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे फ्री फायर के बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स एंड इवेंट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई मैंने पिछले 3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है, तो समझ जाओ भाई ये वीडियो बोम वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के अपडेट्स दूंगा आने वाले टाइम में, जो जो आने वाले गेम के अंदर, और बहुत ही सारे इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो यार आज की वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोम है। साथ ही साथ अगर इस चैनल में पहली बार आ रहे हो, अगर इस बंदे का काम पहली बार देख रहे हो और मेरा काम देख के काम आपको पसंद आ रहा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे डाल देना, और हो सके तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाना, क्योंकि आपके एक एक लाइक से मुझे हैप्पीनेस मिलती है, उस हैप्पीनेस से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो यहां पर मैं और अच्छी वीडियोज बनाऊंगा और आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो इन सिंपल यार लाइक करके चले जाना, क्योंकि आपके एक एक लाइक से एक एक मोटिवेशन मिलता है। तो यार आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो के बाद। तो यार जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले 3 दिन से मैं कोई वीडियोस नहीं डाल रहा था, बिकॉज ऑफ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। मेरे वाईफाई के साथ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को इंटरनेट नहीं मिल रहा था एंड मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, जो कि मैंने आपको बता भी देता कम्युनिटी पोस्ट करके। बट उसी बीच में काफ़ी सारे नए अपडेट्स आ गए गेम के अंदर। स्पेशली बताऊँ तो आज के दिन जो अपडेट आए वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। जैसे हम लोग बात करें, टोटल UI चेंज हो चुका है, नया UI आ चुका है, और यहाँ पे बीच पार्टी से चेंज होकर रैम्पेज 2.0 की तरफ आ चुका है। स्पेशली बताऊँ तो सबसे बढ़िया मेरे को लोडिंग स्क्रीन लगी। सबसे बढ़िया चीज़ ये लॉगिंग स्क्रीन की जो लोडिंग स्क्रीन है, और साथ ही जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक अलग ही लेवल है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मैं तो कहूंगा करीना फ्री फायर को यही लोडिंग स्क्रीन और यही बैकग्राउंड म्यूजिक हर हमेशा के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इसके एक अलग ही बात है, बहुत अच्छा काम किया इस बार। तो ये वाला मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई देखो इसमें जो आग की एनिमेशन है ना वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी, इसमें एनिमेशन वर्क जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो यार आप लोग बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। उसी के साथ साथ गेम के अंदर UI में भी चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ गेम के अंदर एक नया इवेंट पेज भी आया, जो कि 8 से 9 घंटे अंदर खुल जाएगा रैम्पेज 2.0 का। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और 8 से 9 घंटे के बाद जब वो ढंग से खुल जाएगा उसके बाद भी आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी जितना कुछ पता चल पा रहा है उसके बारे में वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पे आप लोग देख लीजिए, ये UI तो नया आ चुका है, यहां पे हमको पीछे का बैकग्राउंड नया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो रैम्पेज का नया इवेंट आर्क है ये काफी अच्छा है। इसमें आपको जस्ट आपको एक साइड लेनी है, या तो आपको पुराने मतलब ब्रिंगर्स का साइड लेना है, या फिर आपको लिबरी का साइड लेना है। तो यहां पे नए और पुराने, यानी कि कह सकते हो कि ओल्ड फैशन टू न्यू फैशन कॉम्पिटिशन है। हमारे होता नहीं है कि कभी कभी हमारे अपने बड़ों से बहस हो जाती है कि पुराना टाइम अच्छा था नया टाइम अच्छा, तो उसी तरीके से आपको एक नई साइड लेनी पड़ेगी, नई वाली साइड या पुरानी वाली साइड, पिछले साल के या फिर आप रैम्पेज को चुन सकते हो या फिर इस साल के रैम्पेज को चुन सकते हो। चुनने के बाद जस्ट आपको यहां पर गेम खेलने, मिशन कंप्लीट करने और टोकन इकट्ठे करने हैं। जिसकी साइड में ज्यादा टोकन होंगे, जिसकी साइड में ज्यादा प्लेयर्स आकर टोकन डालेंगे, वो वाली साइड जीत जाएगी, और यहां पर अलग से उन लोगों को बोनस भी मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी की साइड लेते हो तो आपको यहां पर कुछ अलग प्राइजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे फ्लेम फाल्कन बंडल देखने को मिलेगा। मैंने ये कहा था कि ये येलो वाला जो हमारा है मतलब हंगर वाला जो बंडल है ये आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फ्री में आ चुका है इस इवेंट के अंदर। जस्ट आपको खेलना है ये मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अवतार देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मतलब ये हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय वाला हमारा सर्वर देखने को मिलेगा, हमारा अवतार बैनर ये सब कुछ रखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें ब्रिंगर्स की साइड में भी यही प्राइस रखा हुआ है, सेम बंडल। एंड यहाँ पे इसी के साथ साथ आप लोगों को बाकी सारी चीजें भी ऑफर करी जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों में से एक साइड लेनी, और यहाँ पे उस साइड के लिए टोकन इकट्ठे करने, रैम्पेज 2.0 टोकन्स। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को और भी चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे लॉगिन स्प्रिनर। तो यहाँ पे लॉगिन डेली लॉगिन करना है आपको, डेली लॉगिन करने के बदले आपको अलग से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा इवेंट होने वाला है। इस इवेंट का टोटल ड्यूरेशन 18 से 19 दिन होगा, बेसिकली कहें तो बेसिकली 18 ही दिन होगा। और यहाँ पे जब ये लॉगिन ये पूरा इवेंट आएगा, ये पूरा इवेंट बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। साथ ही साथ जो लॉगिन के अंदर आपको इवेंट मतलब जो प्राइजेस देखने को मिलेंगे, वो डेली अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा चेंज है। तो कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है गेम के अंदर, तो वेट करो। और जो भी नया अपडेट आएगा मैं आप आने वाले टाइम में बता दूंगा, बिकॉज अब यार आपको पता है 2-3 दिन से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी और वीडियोस डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरी एक एक वीडियो का साइज होता है 3-3, 4-4 GB, और वो फोन के इंटरनेट से अपलोड नहीं हो पाती है। तो यार यही बात थी, मैं वाईफाई का वेट कर रहा था एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। तो यार अभी मैं बात करना चाहूंगा हमारे कुछ अपकमिंग अपडेट
अपडेट्स के बारे में, कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जो कि आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा इंडियन सर्वर और सिंगापुरी सर्वर के अंदर कौन कौन से नए नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा वीकली कैलेंडर है जो कि आज के दिन रिलीज हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए वेंसडे आज के दिन ही यहाँ पर नया डायमंड रॉयल दिखा रहा जो कि हमको देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर पिक योर इमोट टॉपअप और साथ ही साथ आपको फिडन व्हील, ये हमारे सर्वर पर ऑलरेडी आ चुका है फिडन व्हील, और पिक योर इमोट टॉपअप ये हमारे वहाँ नहीं आएगा, ये अदर सर्वर के अंदर आएगा क्योंकि हमारे वहाँ ऑलरेडी एक टॉपअप इवेंट ऑलरेडी रन कर रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद इसमें थर्सडे के दिन दिखा रखा है, तो थर्सडे के दिन मतलब कल के दिन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इलाइट पास बैजेस जो कि इंडियन सर्वर और सिंगापुरी सर्वर के लिए नहीं है, ये अदर सर्वर के लिए। हो सकता है कि हमारे वहाँ भी निकल के आ जाए कुछ ना कुछ हमारे रैम्पेज 2.0 के मिशन के अंदर जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कल के दिन, बट बेसिकली बताऊँ तो यहाँ पर ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे बैजेस हमारे सर्वर के अंदर। इसी के साथ साथ आपको फ्राइडे के अंदर देखने को मिलेगा हमारा सुपर मार्केट न्यू इवेंट है, तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो सुपर मार्केट है उसके अंदर हमारे वहाँ 75% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, सिंगापुरी सर्वर पे भी 75% देखने को मिलेगा, ब्राजील सर्वर पे 85% और इंडोनेशियन सर्वर पे 80% के आसपास। तो भाई कुछ इस तरीके से डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है इस बार, बट यहाँ पे सुपर मार्केट देखने को मिलेगा जिसमें 75% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड बैठे हो सुपर मार्केट के लिए वो जरूर जरूर बताना, बट बेसिकली यहाँ पे अगर सुपर मार्केट निकल के आता है तो वो सभी के सभी सर्वर्स पर निकल के आता है, तो अगर यहाँ पे दिखा रखा है तो भाई सभी के सभी सर्वर्स के लिए दिखा रखा है, तो हो सकता है कि हमारे वहाँ भी आने वाले फ्राइडे के दिन हमको देखने को मिले नया सुपर मार्केट। इसी के साथ साथ आपको सैटरडे के दिन हमारे को दिखा रखा है यहाँ पर नियर रूम का टॉपअप, ये हमारे वहाँ नहीं आएगा ना ही सिंगापुरी सर्वर के अंदर आएगा, ये हमारे सर्वर के लिए नहीं है क्योंकि हमारे वहाँ ऑलरेडी एक टॉपअप इवेंट रन कर रहा है जो कि 28 तारीख तक चलेगा, और ये हमारा 27 तारीख के दिन है, तो 27 तारीख के दिन कुछ ना मतलब कुछ नया टॉपअप इवेंट अपडेट नहीं होगा। बट वहीं हम लोग बात करें संडे के बारे में, तो संडे के दिन दिखा रखा है फ्री फॉलिंग टॉपअप, तो फ्री फॉलिंग टॉपअप ये हो सकता है कि हमारे वहाँ देखने को मिल जाए, बट इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि यही सेम हमको टॉपअप इवेंट देखने को मिले। बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है फ्री फॉलिंग टॉपअप जिसमें आपको पैराशूट की स्किन, सर्फबोर्ड की स्किन और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी टुक टुक की स्किन भी देखने को मिल सकती है, बट मैं जहाँ तक कह रहा हूँ ये भी नहीं आएगा हमारे वहाँ। तो इनमें से जो भी टॉपअप इवेंट आपको देखने को मिलना है इनमें से कोई भी टॉपअप इवेंट मेरे ख्याल से अभी राइट नाउ पॉसिबिलिटीज के हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको प्री ऑर्डर देखने को मिलेगा उसी दिन संडे के दिन, तो मतलब आप नया प्री ऑर्डर कर सकते हो इलाइट पास, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट गन की स्किन देखने को मिलेगी। अब देखने के बाद ये स्किन किस तरीके से निकल के आती है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मंडे के दिन हमारा नया वेब इवेंट देखने को मिलेगा स्लूस चैम्बर, तो ये इवेंट हमारे वहाँ तुरंत अपडेट नहीं आ जाएगा मंडे के दिन, ये हमारे एक दो दिन बाद आएगा ट्यूजडे या फिर थर्सडे तक, मतलब ट्यूजडे या फिर वेन थर्सडे, मतलब ट्यूजडे थर्सडे वेन से मतलब कभी भी देखने को मिल जाएगा बीच में आपको, बट एग्जैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्यूजडे के दिन दिखा रखा नया बैकपैक, तो ये फाइनली जो स्पाइंकी पंक वाला बैकपैक है इसको कहा जा रहा है स्टोर के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, तो जिन लोगों के पास ये नहीं पड़ा था वो फाइनली परचेज कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये फ्री में मिला था हम लोगों को सभी को। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर रैम्पेज लक रॉयल भी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, तो उसी दिन आपको नया मतलब हमारा नया लक रॉयल या फिर रॉयल स्पेशल देखने को मिलेगा हमारे ट्यूजडे के दिन। तो भाई ये कुछ हमारे वीकली कैलेंडर के अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, तो भाई आप लोग बताओ आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड बैठे हो। इसमें से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंडियन सर्वर और सिंगापुरी सर्वर में देखने को मिलेंगे, कुछ हमारे में नहीं आने वाले जैसे टॉप ऑफ इवेंट हमारे वहां नहीं आने वाला, और बेसिकली हम लोग बात करें तो बाकी सारी चीजों में से जो जो आपको बताई उनमें से आपको ये बैजेस वाले इवेंट भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो यार अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। तो यार अभी हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ नए लक रॉयल्स के बारे में। सबसे पहले तो हमारा नया डायमंड रॉयल आ चुका है गेम के अंदर, साथ ही साथ मैं अभी बात करूंगा अपकमिंग आने वाले वेपन रॉयल के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले एक और लक रॉयल के बारे में जो कि मेरे ख्याल से रॉयल स्पेशल है जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा इसी वीक के अंदर, मतलब आने वाले 4-5 दिन के अंदर, और साथ ही साथ आने वाले वेपन रॉयल के बारे में भी अपडेट दूंगा और डायमंड रॉयल के बारे में अपडेट दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं नए वाले डायमंड रॉयल की तरफ, तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा मिस्टिक सीकर, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए काफी अच्छा बंडल है। मैंने जब ये बहुत पहले आपको दिखाया था मतलब महीना भर पहले, तो मैंने कहा था बहुत अच्छा बंडल होने वाला है आएगा जब बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एंड पर्सनली बताऊँ मुझे ये बंडल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर कॉन्ट्रास्ट से बात करें या फिर इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें मुझे बहुत पसंद आया। तो चलो भाई एक बार लक में ट्राई मार लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास बाकी सारे बंडल पड़े हुए हैं, मुझे बाकी सब में से कोई भी बंडल नहीं चाहिए, बस मेरे को चाहिए वाला बंडल। तो यहाँ पर 28 वाउचर्स हैं, लक ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मारते हैं एक का स्पिन, एक से स्टार्ट करते हैं फिर 10-10 के मारेंगे, तो यहाँ पे कुछ तो नहीं निकला, बट यहाँ पे एक बार 10 का ही मार देते हैं, और 10 में कुछ निकला मेरा, और कुछ निकला है और मेरे ख्याल से कुछ आया है, ओह माय
गॉड गाइस, आप लोग कहते हो कि हर बार मुझे अपना एक बार लक रॉयल में ट्राई करना चाहिए, मतलब एक बार लक रॉयल पे डायमंड रॉयल के अंदर अपना लक ट्राई करना चाहिए, और आप देख सकते हो मेरा लक बेही मिसाल है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक 10 का स्पिन, मतलब टोटल 11 स्पिन के अंदर मेरा एक बार बंडल भी निकल गया, मिस्टिक स्ट्राइक बंडल, और बंडल एक नंबर है। आप लोग खुद देख लीजिए भाई, कितना तगड़ा बंडल है, कितना खतरनाक बंडल है। पर्सनली बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बंडल, मेरे पर्सनली यार बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स भी देखने को मिल गए, ओ माय गॉड। तो गाइस ये तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरा, बट इसमें मेरा लग निकल चुका है। तो आप लोग बताइए आप लोगों का कितने बंडल्स कितने स्पिन के अंदर निकला, बट यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे मारा आज के दिन स्पिन एंड जस्ट तुरंत ये स्पिन निकल गया। इसके बाद हम लोग एक बार अपने मतलब ये वेपन रॉयल के अंदर भी स्पिन मार लेते हैं, एंड वेपन रॉयल के अंदर कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा देखने की बात है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा उससे पहले, इसका फीमेल वाला बंडल इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बंडल आएगा वो इसका फीमेल वाला बंडल आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वाला बंडल इसका आने वाला बंडल है। मतलब अभी तो 19 दिन पहले ये चलेगा, इसके बाद जैसे ये बंडल निकल जाएगा हमारे डायमंड रॉयल से, उसके बाद इसका फीमेल बंडल डालेंगे ये लोग हमारे डायमंड रॉयल के अंदर। एंड साथ ही साथ अभी हम लोग चलते हैं हमारे वेपन रॉयल की तरफ। तो वेपन रॉयल में तो हम लोग लक मार रहे हैं और कुछ निकला मेरा, ओ 24 आवर्स के लिए गाइस थोड़ा सा डर चुका था मैं, बट यहां पे लक थोड़ा सा अच्छा चल रहा था। एंड अभी हम लोग एक बार इस पे टैप भी मार लेते हैं गाइस, क्या पता निकल जाए, ऐसा करना चाहिए बहुत बार, ऐसा निकलता है। एंड कुछ निकला और ओ माय गॉड, ओपी किस्मत गाइस, आप लोग देख सकते हो किस्मत मेरी बहुत अच्छी चल रही है। इस बात पे गाइस लाइक तो बनता है। डायमंड रॉयल के अंदर बंडल निकाल दिया, वेपन रॉयल से वेपन निकाल दिया, P90 की न्यू स्किन, ओपी स्किन वो भी निकाल दी गाइस। इसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लक। बट मैं आपको उसका एक सीक्रेट बताऊंगा जो मैं अपने लक में हर बार यूज़ करता हूं और मेरा बंडल निकल जाता है, उसका मेरा एक सीक्रेट है वो आपको बता देता हूं। देखो यार, टोकन एक्सचेंज में जाते हैं तो हम लोग यार देखो, कोई भी आप टोकन एक्सचेंज में जाते हो ना, जब इस टोकन एक्सचेंज के FF टोकन के रिडीम से जब आप कोई वाउचर लेते हो तो उसकी लक की जो पॉसिबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास अभी और वाउचर्स पड़े हुए हैं, तो मैं और ले सकता हूँ यहाँ पे, और देख लीजिए मैंने और यहाँ पे वाउचर्स ले लिए। बट ये यहाँ से जो आप वाउचर्स लेते हो ना भाई, इनकी लक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो मेरे वाउचर्स थे वो यहीं वाले पड़े थे, और यहाँ वाले वाउचर्स, पिंक डायमंड वाले वाउचर्स एंड ये जो गोल्ड गिल टोकन वाले वाउचर्स होते हैं, इनमें आपका बहुत जल्दी लक चलता है। तो अगर आप इन वाउचर्स का यूज़ करते हो डायमंड रॉयल के अंदर तो जल्दी आपका बंडल निकलता है, मैंने देखा है। ये मेरा हर एक बंडल में इसको बहुत जल्दी निकाल देता हूँ, आप लोग मेरी प्रोफाइल में देख सकते हो, आज मैंने ओपी चीज़ कर दी एंड इस पर तो लाइक बनता बनता है। बट मैं आपको बताने जा रहा था कुछ अपडेट्स। तो वेपन रॉयल के अंदर आप लोग वेपन देख सकते हो, ये वाला वेपन निकल के आने वाला है हमारे वेपन रॉयल के अंदर, तो आप लोगों की स्क्रीन के सामने। तो ये हमारी एक हमारी स्कारल की स्किन होने वाली है, और आप लोग देख सकते हो इसके अभी कुछ पावर एबिलिटीज के बारे में क्लियर नहीं हुआ है, बट ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी हमारे वेपन रॉयल के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अभी 9 दिन तक ये चलेगा, इसके 9 दिन के बाद ये वाली स्किन दिखाई जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, रैम्पेज लक रॉयल भी निकल के आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर आपको न्यू रैम्पेज लक रॉयल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको वेनम और हंगर दोनों की दोनों जो पिछले साल की रैम्पेज वाली स्किन थी वो देखने को मिलेंगी। एक तरह से कह सकते हो आप उसको रॉयल स्पेशल, तो यहाँ पे एक अलग से रॉयल निकल के आता है, जैसे हमारे वहाँ करेक्टर रॉयल चल रहा है तो एक रॉयल स्पेशल निकल के आता है जिसके अंदर वो बंडल्स रखे जाएंगे हाईलाइटली, तो काफी बढ़िया है। और साथ ही साथ उन्हीं लक रॉयल के अंदर या फिर रॉयल स्पेशल के अंदर आपको वेनम वाली M4A1 और हंगर वाली UMP की स्किन, दोनों के दोनों OP स्किन्स जिनका रेट ऑफ फायर और कसम से एक अलग ही लेवल पे एबिलिटीज हैं, वो भी रखी जाएंगी उस रॉयल स्पेशल के अंदर। तो एक बहुत बढ़िया अपडेट निकल के आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, एंड बहुत बढ़िया चीज है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। तो यार अभी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे गिववे के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हर एक वीडियो के अंदर कोई ना कोई गिववे होता है, तो उसी तरीके से इस वीडियो में भी एक वीकली मेंबरशिप का गिववे है। गिववे में पार्टिसिपेट करने के लिए जस्ट आपको इस वीडियो पर कमेंट करना है। आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं जो कि कंपलसरी है, जिससे मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा, और मैं आपसे जब ईमेल करता हूं तो आपसे उसमें आपका कोई भी आईडी पासवर्ड या फिर पर्सनल डिटेल नहीं मांगता हूं, जस्ट मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अवेलेबल हो या नहीं हो। और आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई मैं क्या अपनी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या मैं एक से ज्यादा कमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल आप मेरे गिववे में एक या फिर एक से ज्यादा भी कमेंट कर सकते हो, आप जितने मर्जी उतने कमेंट कर सकते हो। और मैं यहां पर रिजल्ट निकालता हूं हमारे इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के ऑटो कमेंट पिकर से। तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक है, जाके फॉलो कर लो, एंड यहां पर मैं लाइव आकर के इस वीडियो का भी गिववे रिजल्ट निकालूंगा 1 या 2 दिन में। तो यार ये हो गए हमारे गिववे के बारे में बात। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। It's not me, it's pointing toward. I'm not worried, I'll fall overboard. You pop my head open like a cork. Pop his head open like a cork.